1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत आसान होता है, और कैसे इसे सोल्व करते हैं मैं आपको इसको सिखाता हूं। चलिए देखते हैं कि आपका आंसर होगा कैसे निकालेंगे। ये डेरिवेशन बहुत आता है, डेरिवेशन करना है इसका एग्जाम में, तो आईसीएससी में बड़ा पूछा जाता है, तो इसको सीखते हैं कैसे करते हैं। 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर पूछ रहा है आपसे कितने जूल होंगे, कितने जूल के बराबर होगा। तो बच्चों 1 ऐसे ही लिखना है, किलो का मतलब होता है 1000, वाट इंटू आवर, आवर में कितनी सेकंड होती है वो यहां लिख देंगे 3600 सेकंड। देखिए एक घंटे में 60 मिनट होती है, और एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 1 आवर में टोटल 3600 सेकंड होती है। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले आपसे पूछा 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता है, तो 1 किलोवाट आवर को आप स्प्लिट करके लिखेंगे, 1 को 1 लिखना है, किलो को 1000 लिखना है, वोट एज इट इज, आवर को आपको सेकंड में चेंज करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। सेकंड थिंग, आप यहां देखें 3600 × 1000 वोट आवर, वोट इंटू सेकेंड, ये आ गया आपके पास। अब आप देखें पावर क्या होता है, वॉट इज पावर, पावर इज वर्क डन इन गिवन टाइम, गिवन टाइम में आप कितना काम कर सकते हैं उसको कहते हैं आप पावर। तो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इन गिवन टाइम, वर्क डन इन गिवन टाइम, अब गिवन टाइम दिया, जो भी टाइम आपको दिया उसमें आप कितना काम कर पाएंगे उसको कहते हैं पावर। अब ये पावर जो है आपकी वॉट में नापी जाती है, वर्क होता है बच्चों जूल में, और टाइम होता है सेकंड में। तो अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो गया, वोट सेकंड इक्वल्स टू जूल। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो ये यहां वोट सेकंड लिखा है दिस इज जूल, और ये हो गया 3600 × 1000। तो बच्चों आपको इसको लिखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जब पहली 2 डिजिट के बीच में पॉइंट लगा होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो यहां तो कहीं पॉइंट नहीं था, ये पॉइंट कहां से आया, जब भी आपके पास जैसे यहां ये वैल्यू लिखी है 3600, तो पॉइंट यहां लास्ट में होता है जो कि दिखता नहीं है, उसको यहां लाना है, तो कितना इधर लाना पड़ा, 1, 2, 3 इधर लाना पड़ा। तो ये हो गया, तो 3 ये हो गया, तो इसे लिखते हैं 10^3। जब इधर लाते हैं, जब इधर आता है पॉइंट तो प्लस होता है मतलब पावर, और जब उधर लेके जाते हैं तो पावर को माइनस में लिखते हैं, और 1000 को हम 10^3 लिख सकते हैं बच्चों। तो हो गया 3.6 × 10^10। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, 3 + 3 = 6 जूल। तो 3.6 × 10^6 जूल इज 1 किलोवाट आवर। जब आपके पास 1 किलोवाट आवर है वो होती है एनर्जी की यूनिट, किसकी यूनिट होती है बच्चों, एनर्जी की, और जूल भी होती है एनर्जी की, और वोट और किलोवाट होती है आपकी पावर की यूनिट। ये आपको याद रखना है। कैसा लगा आज का आपका सेशन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसको अच्छे से कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल पे आ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे से आपको टॉपिक्स एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी बोर्ड्स की वो आपको सिखाएंगे। थैंक्स यू।